सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को पीआईए के निजकारी से रोक दिया है। निजकारी करने से पहले अदालत को एतमाद में लिया जाए, अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है। अदालत ने साबिक एमडीज का नाम ईसीएल में डालने का जो हुक्म था वो वापस ले लिया है। साबिक एमडीज में से अगर कोई बाहर जाएगा तो अदालत की इजाजत से जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है। पीआईए के नुकसान के तखमीने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तलब किए गए हैं। न्यूयॉर्क का रूट बंद कर दिया गया है। एमडी पीआईए की जानिब से कहा गया, लोग इतनी मोहब्बत से पीआईए में सफर करते थे, न्यूयॉर्क रूट भी बंद कर दिया गया। पीआईए में भर्तियों से मुतालिक नोटिस भी जारी है। आप कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? चीफ जस्टिस का कानूनी मुशीर से सवाल, मैं 15 लाख तनख्वाह ले रहा हूँ, कानूनी मुशीर की जानिब से जवाब दिया गया। इतने खसारे वाले इदारे से 15 लाख लिए जा रहे हैं। पीआईए केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, यह अहम मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है। हुकूमत को पीआईए के निजकारी से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से निजकारी करने से पहले अदालत को एतमाद में लिया जाए। अदालत ने साबिक एमडीज का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म दिया था और अब यह बताया जा रहा है कि हुक्म वापस ले लिया गया है। साबिक एमडीज में से अगर कोई भी बाहर जाने का फैसला करेगा तो अदालत की इजाजत से जाएगा। पीआईए के नुकसान के तखमीने के लिए टीओआर तलब किए गए हैं। न्यूयॉर्क का रूट बंद कर दिया गया है। एमडी पीआईए की जानिब से ये कहा गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग इतनी मोहब्बत से पीआईए में सफर करते थे, न्यूयॉर्क रूट भी बंद कर दिया गया है।